क्या आपने कभी ठिठुरती ठंड को सहन किया है? और ठिठुरती ठंड से मेरा मतलब है इतना ठंडा कि शरीर में खून ही जम जाए। इसे फ्रोस्ट बाइट या हिंदी में शीत दंश भी कहते हैं। सबसे ज्यादा ठंडी जगह रशिया में ओयम या क्योन में दर्ज करी गई है। यहाँ टेम्परेचर औसतन -50 डिग्री तक रहता है और सबसे कम -71 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर अगर आप रोना शुरू कर दे तो आपके आंसू आंख में ही जमकर आपको हमेशा के लिए अंधा कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर प्रॉपर कपड़ों से ना ढके हो तो आपकी कुछ ही समय में ठंड में ठिठुर कर मौत भी हो सकती है। लेकिन एक प्राणी जो सदियों से हमारे बीच में है, डायनासोर्स के आने से भी पहले, जिसने धरती के 5 बार खत्म हुए देखा, वो इतने कम टेम्परेचर में भी आराम से जीवित रह सकता है। इस 60 करोड़ साल से धरती पर घूम रहे प्राणी का नाम है टार्डिग्रेड। टार्डिग्रेड एक सूक्ष्म जीव है जिसकी औसतन लंबाई 0.5 मिलीमीटर है। इसके 8 पैर होते हैं और खाने में प्लांट और बैक्टीरिया पर निर्भर रहता है, और बस यही इसके दूसरे जानवरों से समानताएं खत्म हो जाती है। जहां धरती के बाकी जीव जंतु ज्यादा से ज्यादा -25 डिग्री सेल्सियस तक जीवित रह सकते हैं, वहीं टार्डिग्रेड -272 डिग्री तक बिना किसी परेशानी के जीवित रह सकता है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में दर्ज सबसे कम टेम्परेचर -273 डिग्री से बस 1 डिग्री ज्यादा है। जिस टेम्परेचर पर परमाणु भी जम जाते हैं, ऐसे टेम्परेचर में भी टार्डिग्रेड पर कुछ असर नहीं होता। टार्डिग्रेड को पानी के भालू के नाम से भी जाना जाता है इसके पंजों की वजह से। टार्डिग्रेड बिल्कुल अविनाशी या कहे तो अमर प्राणी है। टार्डिग्रेड ठंड के अलावा टार्डिग्रेड 150 डिग्री तक गर्मी भी बिल्कुल आराम से सहन कर सकता है। यह दुनिया के सबसे ज्यादा गहरे समुन्द्र की गहराई में पैदा हुए दबाव के 6 गुना ज्यादा दबाव को आराम से सहन कर सकता है। यह इंसानों के मुकाबले 100 गुना ज्यादा रेडिएशन सहन कर सकता है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह बिना खाने पानी के 30 सालों तक जिंदा रह सकता है। लेकिन यहाँ से सवाल उठता है, कैसे? असल में टार्डिग्रेड अमर है। जब इसे लगता है कि परिस्थितियाँ जीने के अनुरूप नहीं है, तो यह अपने आप को डिहाइड्रेट की अवस्था में ले जाता है या आसान भाषा में शरीर से पानी निकाल देता है। इसका पानी का लेवल 3% से भी कम हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्रिप्टोबायोटिक भी कहते हैं और यह इस अवस्था में लगातार 30 सालों तक रह सकता है। इंसानी शरीर का मिनिमम 60% हिस्सा पानी है, और जब इसे लगता है कि सब ठीक है तो ये दोबारा रिहाइड्रेट करके जीवित हो सकता है और ये जीवन क्रिया शुरू कर सकता है। टार्डिग्रेड कई 100 सालों तक बिना किसी परेशानी के जीवित रह सकता है। नासा ने भी इस अनोखे प्राणी पर कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए। हजारों टार्डिग्रेड को आउटर स्पेस में भेजा गया ये जानने के लिए कि बिना हवा और तेज सोलर रेडिएशन में कैसे जीवित रहता है। जब टार्डिग्रेड वापस अर्थ पर आया तो नासा ये देखकर हैरान रह गया कि स्पेस के अतिक्रमण का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि स्पेस में ही काफी टार्डिग्रेड ने बच्चों को जन्म दिया जो कि बिल्कुल हेल्दी थे। टार्डिग्रेड अब तक इतिहास का पहला ऐसा जानवर है जो आउटर स्पेस में जाकर बिल्कुल सही सलामत वापस आया है। यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि टार्डिग्रेड दूसरे ग्रह के प्राणी है जो कि करोड़ों साल पहले किसी और ग्रह से हमारी पृथ्वी पर आया था। उनका ऐसा मानना इसलिए है क्योंकि इसकी बनावट या डीएनए पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी और जीव जंतु से बिल्कुल मेल नहीं खाता। टार्डिग्रेड कोई ऐसा दुर्लभ प्राणी नहीं है जो हिमालय की पहाड़ियों में ढूंढने से मिलेगा, बल्कि यह तो सब जगह है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी टार्डिग्रेड से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर हो। ऐसा इसलिए क्योंकि यह रहता है काई में, दलदल या कीचड़ में, और इसलिए हम कह सकते हैं कि टार्डिग्रेड लगभग पूरी दुनिया में पाया जाता है। यह जीता है प्लांट सेल पर, इसलिए काई इनके लिए पूरा उपयुक्त स्थान है। लेकिन यही नहीं, जरूरत पर यह दूसरे टार्डिग्रेड को भी अपना भोजन बना लेता है। टार्डिग्रेड सब जगह, चाहे वह हिमालय की पहाड़ी हो, जापान का गर्म पानी का झरना हो, समुन्द्र की गहराई हो या अंटार्कटिका की ठंडी पहाड़ी हो, सब जगह पाया जाता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि टार्डिग्रेड ऐसा कैसे कर पाते हैं। बहुत सारे मछलियों की जाति जब ठंड के कारण सेल जमने लगते हैं तो एंटी फ्रीज प्रोसेस शुरू कर देती है, लेकिन टार्डिग्रेड ऐसा कुछ भी नहीं करते। वो बस उस ठंड को सहन करते हैं और ठंड में नुकसान को एंटीऑक्सीडेंट रिलीज करके फटाफट रिपेयर कर लेते हैं। 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर पृथ्वी पर पाए जाने वाला हर प्राणी खत्म हो जाता है, उसके सेल भी काम करना बंद कर देते हैं। इतने ज्यादा टेम्परेचर का भी टार्डिग्रेड पर कुछ असर नहीं होता। जब साइंटिस्ट ने टार्डिग्रेड को 15 मिनट तक 150 डिग्री तक उबाला तो पाया कि उस पर इस टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ा। बहुत कोशिशों के बाद भी आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि वो ऐसा कैसे कर पाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।